वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद ऐसे संडे राइड पे निकला हूँ, और स्पेशली बारिश में। मतलब बोलते हैं ना, आज सुबह में जल्दी निकलने का प्लान था, मगर सुबह में हल्की हल्की बारिश थी, तो पहले सोचा था कि निकल जाते, मगर बाद में बोला कि नहीं यार, स्टार्टिंग से नहीं भीगना। चलो ठीक है, राइड पर भीग जाएंगे वो चल जाएगा, मगर स्टार्ट से ही नहीं भीगना। तो अभी ऑलमोस्ट हो रहा है 7:30 और हम लोग निकल गए, और क्या क्लाउडी क्लाइमेट है देखो, पूरा मत। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने मानसून सीरीज की थी, पूरा मानसून में हम लोगों ने एक से एक बोलते ना फेमस प्लेसेस किए थे, जितने हो सके उतने, वैसे ये मानसून भी करेंगे। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कौन से प्लेस पे ये मानसून में मैं राइड मारूँ। तो ऑब्वियसली बात है, कमेंट करोगे तो जिसके साथ जो प्लेस के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे वो प्लेस पे राइड तो मारेंगे। आज के बारे में बताना चाहूँ तो आज मेरे को खुद को नहीं मालूम, क्योंकि आज मैं सोलो निकला हूँ। मतलब तो आज कोई ये नहीं है साथ में, नहीं बस अकेला निकला हूँ राइड पे, और पिलियन है साथ में, बस एक ही बाइक निकल रहा था। नॉर्मली हम लोग ग्रुप से निकलते हैं, मगर इस बार मैं अकेला ही निकला हूँ, और ऐसा बेसिकली कुछ प्लान करके नहीं चल रहा हूँ कि मेरे को कौन से प्लेस पर जाने का, बस राइड करने के हिसाब से निकला था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था राइड करके। हो क्या व्यू दिख रहा है यार। वैसे अभी मैं निकल गया लोनावला वाले रोड पे, ऐसा मैंने कुछ फिक्स बोलते ना डेस्टिनेशन प्लान नहीं किया कि मेरे को इधर ही जाना है, बस निकल गया हूँ। देखते हैं अभी रास्ते में किधर किधर जाने का मन करता है। वैसे जो लोगों ने मेरी लास्ट ईयर की मानसून सीरीज नहीं देखी होगी ना, इधर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप लोग देख लेना, क्योंकि लास्ट मानसून में मैंने हो सके उतने नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर किया था, और बहुत कमाल के प्लेसेस थे। लास्ट ईयर भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था मानसून सीरीज़ पे, तो जो लोगों ने वो सीरीज़ चेकआउट नहीं किया यहाँ पे आई बटन से एक बार चेकआउट कर लेना, मैं प्लेलिस्ट पूरा डाल दूँगा उसमें। और अभी आज का व्यू, आज की राइडिंग एंजॉय करो। अभी हम लोग आ गए शिरडोन के आगे, यस आ गए था, अभी हम लोग शिरडोन के आगे आ चुके हैं, और क्या सही क्लाइमेट है, फुल चिल क्लाइमेट है, ज़्यादा धूप नहीं, बारिश नहीं, कुछ नहीं, ठंडा क्लाइमेट एकदम, ऐसा क्लाइमेट बोलते हैं परफेक्ट रहता है राइड के लिए। और ऐसे क्लाइमेट में भाई कितना भी लॉन्ग रन, मैं तो कितना भी लॉन्ग रन खींच सकता हूँ इसके ऊपर। तो आज जब तक मन नहीं भरता तब तक रुकने वाला हूँ नहीं कि भाई अभी बस हो गया। ऐसा क्लाइमेट अगर कंटिन्यू रहेगा तो भाई मेरे को नहीं मालूम आज मैं कितना राइड करने वाला हूँ, क्योंकि आज निकला ही वो हिसाब से आज बस राइड करनी है। तो डिस्टेंस डेस्टिनेशन कुछ डिसाइड नहीं करना, बस करनी, जब लगे हाँ चलो अभी रिटर्न चलते तो रिटर्न चले जाएंगे। Breathless to say the least. So far from a superstar, and my daydreams are killing me. Feel like I'm losing my mind. कल धूप आने लगी है, तो सुबह से तो आपका धूप ही नहीं देख रहा था मैं। ये भी बस इतने ही फ्लैश में दिख रही है धूप, आगे पूरा वैसे भी क्लाउडी है सब, और लोनावला वो सब साइड तो भाई वैसे ही क्लाउडी रहता ही है, और इधर बारिश रह गया है गेट। और मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने रेनकोट नहीं लाया हूँ, और बैग में हमारे कैमरा है, गोप्रो है, बैटरी है, पावर बैंक है, सब है, और हम पटेली में बस बिना रेनकोट के आए हैं। देखते हो फॉर दी बेस्ट कि बारिश आए, मगर मेरा सामान भी गया इतनी तक नहीं आया मैं, क्योंकि मैं रुक जाऊँगा थोड़ी आने लगी तो मैं रुक जाऊँगा। तो अभी थोड़ा नाश्ता का देखते हैं, क्योंकि भूख लग चुकी है और अच्छी खासी भूख लगी है, क्योंकि रात में भी मैं जॉब से लेट आया था तो मैंने खाना नहीं खाया था, और सुबह से राइड। तो पहले अभी लोनावला में एंटर करते कुछ तो देखते हैं खाने के लिए, पेट भर के खाएंगे, फिर आगे सोचेंगे कि अभी और आगे जाना किधर है, क्योंकि अब तक तो मन भरा है नहीं हमारा। क्लाइमेट यार मन ही नहीं भरने वाला क्लाइमेट आज का।
अच्छे खासे राइडर्स आए यार वो, ऑब्वियसली बात है बारिश चालू हो गई तो भाई जो ट्रैवल लवर है वो सब निकलेंगे, ट्रैकिंग ट्रैवल सब चालू होएगा अभी। एक चीज़ मैंने भी नोटिस की, जब से वो डबल सीट के बदले आए थे पिलियन को भी हेलमेट जरूर कंपलसरी कर दिया गया, तब से मैंने आज राइड पे देख रहा अच्छे खासे पिलियन भी आज हेलमेट के साथ है, मतलब नया रूल का फॉलोअप तो हो रहा है, अच्छी बात है, सेफ्टी वाइज बहुत ज़रूरी था वो भी। अभी बात किया अभी पिलियन भी अभी हेलमेट डाल के बैठ रहा है, अच्छी बात है। अपडेट के अनुसार हम लोग आए हैं अभी लोनावला में और मैं इधर ढूंढ रहा हूँ नाश्ता करने के लिए एक जगह जहाँ मुझे मस्त तीखी एक मिसल खाने का मिल जाए, मिसल खाने का मन कर रहा है, एक मिसल के लिए कोई मस्त जगह मिल जाए जिधर तीखी मिसल मिलती हो मस्त। ए भाई आगे पीछे की दुनिया तक नहीं देखा वो। अभी हम लोग जा रहे हैं पावना लेक, क्योंकि टाइगर हिल वगैरह तो मैं हमेशा जाते रहता हूँ, तो सोचा इस बार पावना लेक करते हैं। इधर मैं बहुत सालों से नहीं गया था तो वो लास्ट टाइम याद भी नहीं कि मैं इधर कब गया हूँ, तो इस बार हम लोग पावना लेक जाएंगे। लोगों तो रास्ता भी थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है गूगल मैप का, तो इधर कुछ यूज़ भी नहीं हो रहा है, उधर कुछ अलग ही रूट बता रहा है वो, और मुझे ऐसे याद है मैं ये साइड से ही किधर से तो आया था, ऐसे मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, तो देखते हैं अभी मेमोरी कितनी अच्छी है हमारी। अभी तक मेरे को मालूम तो नहीं है मैं कैसे चल रहा हूँ, मगर जितना हल्का फुल्का याद आ रहा है उस हिसाब से यही रोड है वो। क्यों गूगल मैप हमको बाहर से कोई रोड दिखा रहा है, और मैं जो रोड से कम 4 साल पहले आया था, 4 या 5 साल पहले जब मैं कॉलेज टाइम में था तब आया था मैं इधर, तो ये रोड तो मेरे को याद आ रहा है, देखते। बाकी अभी हल्की फुल्की बारिश चालू हो गई है, इसे देख पा रहे हो एकदम हल्की फुल्की है, मगर बारिश का नहीं भरोसा भाई लोनावला में, इधर कभी भी बारिश बढ़ सकती है। मेरे को बस टेंशन आ रहा है मेरे कैमरे का, चलो गोप्रो तो भी थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बारिश निकाल लेगा, मगर कैमरा नहीं निकाल पाएगा, DSLR की वाट लग जाएगी। एक बार पूछना सही रहेगा। अपना पावना लेक लाया, पावना लेक सरल ना, जैसे कि याद आ रहा था बराबर है मेरा। ओके इधर ऑफ रोड है पूरा, रोड है ही नहीं एक्चुअली इधर, जैसे लास्ट टाइम आया था तब भी यही रोड था, अभी भी वही रोड है, मेरे को लगा था चेंज तो हुआ होगा कुछ, 5-6 साल हो गया यार, मगर नहीं वैसे का वैसा ही रोड है ये, उल्टा अब उससे ज़्यादा बदतर हो गया है। ये वन क्या सही प्लेस है, देखो तो इधर तो फोटोशूट बनता है, चलो इधर कुछ फोटोशूट देखते हैं। एक फुटेज निकालने नहीं मिल रहा था उधर से, लिटरली एक थंबनेल के लिए मैं कब से रुका था उधर, ऊपर से कुछ लोकल पब्लिक ऐसी रहती है ना, मतलब क्या बोलूं यार, फालतू में पटेली देने आते हैं लोकल एरिया के, बोले ना 10 लोग अच्छे रहेंगे तो कुछ लोग 2 लोग गान करने के लिए आते ही है, उधर भी हम लोग की कितनी बहस हुई थी अभी, बंदा जान बुझ के बोलते ना झगड़े निकालने का काम कर रहा था। छोड़ो सो फार सो गुड, निकाल लिया थंबनेल तो हमने, इतना तो पता था कि भाई थंबनेल लिया बिना तो मैं उधर से हटूंगा नहीं भले कितना भी कुछ भी हो तो थंबनेल लेके हो गया, अभी और आगे जा रहा हूँ
देखता हूँ आगे और क्या क्या दिखता है। बाकी रोड बहुत ख़राब है यार इधर, मतलब ये स्पोर्ट्स बाइक इधर लाना तो मतलब हालत का काम है। थोड़ा भी रोड इधर ठीक से नहीं है, थोड़ा भी। अभी देखते हैं और कहाँ तक जाने वाला हूँ मैं, क्योंकि रोड ऐसे ही रहेगा तो शायद मैं यू टर्न भी दे दूँ। अच्छा हो गया रोड, अच्छा ठीक ठाक रोड चालू हो गया। चलो फाइनली भाई, कितने टाइम बाद ऐसा रोड मिला। अभी अच्छा रोड मिले बस। वर्थ था यार, अभी तो दूर से दर्शन हुआ, अभी तो नजदीक आके देखना है पावना लेक। लास्ट टाइम हम इधर से नीचे गए थे और अभी तो इधर भी गार्डन वगैरह बना दिया है उसने। देखते हैं चलो कुछ है क्या इधर से नीचे जाने के लिए। पिछले टाइम ये सब बना नहीं था, देखो ये सब कुछ भी नहीं था, हम लोग गए थे इधर नीचे, बाहर नीचे तक जाके आ गया था। बाकी बाइक क्या दिख रही है यार, ब्लैक ब्यूटी। चलो देखता हूँ कुछ अरेंजमेंट हो रही है कि नीचे जाने का, नहीं तो राइड करके तो अभी मन भर गया, या से नहीं रिटर्न भी जा सकता हूँ, देखते हैं। तो मैं बोला था कि नीचे आने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूँगा, तो जो लास्ट टाइम जैसे हम लोग आए थे नीचे वहीं से नीचे आया और नीचे आने मिल भी गया। बाकी क्या व्यू है यार, मतलब लिटरली बहुत सही व्यू है, फुल चिल क्लाइमेट है एकदम। और जो बात का टेंशन था वो बात नहीं हुई, बारिश हम लोग को मिली मगर एकदम हल्की फुल्की, जो एकदम भिगा दे ऐसी कोई बारिश नहीं मिली थी। इसके लिए राइड ज़्यादा अच्छी लगी आज की, फुल सॉर्टेड राइड थी। और अभी तो क्या पीस वाला फील आ रहा है इधर, मेरे को नीचे देख के चलना पड़ रहा है क्योंकि रोड यहाँ पे देखो कैसा है, बहुत मज़ा आ रही है। अभी पूरा रोड एज तक जाने का सोचा हूँ, जाके वहाँ पे थोड़ा बैठूँगा शांति से, थोड़ा चिल आउट करूँगा, फिर रिटर्न निकलेंगे अपने घर पे। तब तो मज़ा लो व्यू का, यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे बोट लगे हुए हैं, देखो तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं, वो तो ना एक्टिविटी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और आप लोगों को मालूम होगा पावना लेक में उधर कैंपिंग के लिए भी आती है पब्लिक, तो उधर आगे कैंपिंग के लिए भी है, तो आप कैंपिंग भी कर सकते हो, मगर हम बस चिल करेंगे और घर जाएंगे। ऑल राइट, सो नीचे बहुत एंजॉय कर रहे थे, पूरा रील्स वगैरह बनाए, फोटोशूट किए, सब किए हम लोगों ने, बहुत मज़ा आई नीचे। और एक से एक कंटेंट बनाया नीचे हम लोग का, तो जो भी देखना रहेगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे तो आपको देखने मिल जाएगा। और अभी निकलने का सोच रहे थे मगर बारिश आ गया था, तो सोचे ऊपर आके पहले मैगी खा लेते टाइम पास के लिए, तब तो बारिश भी रुक जाएगी और फिर निकलने के लिए भी अच्छा रहेगा। तो अभी मैगी तो बन के आ गई, और जैसे मैगी के लिए ऑर्डर दिए मैगी आने, तो बारिश हमारी बंद हो गई है। तो अभी मैगी खाएंगे, थोड़ा चाय पीते, फ्रेश होते और फिर निकलेंगे, फिर ये ब्लॉग को एंड कर देंगे। तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं अच्छे से। चलो चलो काकी, मस्त मैगी खा के हो गया और फुल घर वाला वाइप था यार इधर। चलो अभी निकलते, मस्त खाना खा के हो गया, खाना जैसे मैगी खा के हो गई मस्त, और बहुत सही था यार, फुल घर वाला वाइप आ रहा था।
फुल ऐसा लग रहा था मैं मेरे गांव के घर में बैठा हूँ। फुल काके भी फुल अच्छे थे। अब बस अभी निकले हैं इधर से, अभी नॉन स्टॉप अपने घर। और जैसे निकले वैसे बारिश भी चालू हो गई है, हल्की फुल्की बारिश चालू हो गई है अभी। सो मालूम नहीं है मुझे मैं अभी आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा कि नहीं, क्योंकि गोप्रो के मैंने कुछ बोलते ना वाटरप्रूफिंग कुछ किया नहीं हूँ, तो देखते हैं। बाकी मज़ा यार आज के राइड में, आज का राइड एकदम शॉर्ट एंड सिंपल था, और शॉर्ट नहीं यार अच्छा खासा राइड था ये भी। तो आई होप इस ब्लॉग को इधर ही एंड कर देना चाहिए, यही सही रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।